गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे BCA सेकेंड सेम में डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ और कुछ लॉज को थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं आज डिमॉर्गन्स लॉ की फर्स्ट थ्योरम के बारे में। तो डिमॉर्गन्स लॉ फर्स्ट थ्योरम प्रूव्स दैट, यानी कि यह हमारा डिमॉर्गन्स लॉ का जो फर्स्ट थ्योरम है उसमें हमें यह प्रूव करना होता है कि हमारा नैंड गेट जो होता है वह और गेट के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। वह और गेट के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है, मतलब कि इसमें हमारा जो एंड गेट होता है, यानी कि एंड गेट विथ नॉट गेट, यानी कि एंड गेट के साथ हम नॉट गेट को अटैच करते हैं, और वह इक्विवेलेंट होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द और गेट। यानी कि बात करें और गेट के कॉम्प्लीमेंट के, तो इसमें दोनों इनपुट्स जो होंगे हमारे वह कॉम्प्लीमेंट होंगे, और एंड गेट में क्या होगा, हमारा आउटपुट जो होगा वह कॉम्प्लीमेंट होगा। यानी कि एंड गेट का आउटपुट कॉम्प्लीमेंट जो होगा वह इक्वल होगा कॉम्प्लीमेंट इनपुट ऑफ और एंड प्रोड्यूसेस द आउटपुट। यानी कि एंड गेट का आउटपुट कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा और गेट की कॉम्प्लीमेंट इनपुट से प्राप्त आउटपुट के। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से डिमॉर्गन्स लॉ का हमारा सर्किट डायग्राम बनता है और किस तरीके से हम उसको ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें जो स्टेटमेंट प्रूफ करना है वह हमें प्रूफ करना है ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार। अभी हमने थ्योरम में डिस्कस किया था कि ए डॉट बी का होल बार, ए डॉट बी का होल बार का मतलब होता है यहाँ पर नैंड गेट। नैंड गेट हमारा इक्वल होगा, मैंने आपको बताया था, और गेट में हमारा दोनों इनपुट जो होंगे वह कॉम्प्लीमेंट होंगे, यानी कि ए बार प्लस बी बार। तो समझे आप, तो ए बार प्लस बी बार जो हमारा होगा वह इक्वल होगा हमारे नैंड गेट के। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से हमने सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करा है। पहले हम ट्रुथ टेबल पर जाते हैं। ट्रुथ टेबल पर हम क्या करेंगे, ए और बी दो इनपुट्स दे रखे हैं, तो हम पहले इस तरीके से अपना ट्रुथ टेबल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ट्रुथ टेबल को ड्रॉ करने के बाद हम सिंपल एंड गेट की ट्रुथ टेबल बनाएंगे। एंड गेट की ट्रुथ टेबल हमारी ये है। ठीक, यानी कि हमारा आउटपुट जबी हाई होगा एंड गेट में, जब वह दोनों इनपुट हाई होंगे। ठीक है, तो यानी कि 1-1 के केस में वह हाई होगा। अब क्या होगा, ए डॉट बी का होल बार की कंडीशन में क्या होगा, हमारा यहाँ पर हमारा होल बार आएगा, ये हमारा होल बार, यानी कि यह जस्ट अपोजिट वैल्यू हो जाएगी हमारे एंड गेट के जस्ट अपोजिट वैल्यू हो जाएगी हमारे। अब उसके बाद ए बार, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का जस्ट अपोजिट ए बार में आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट में बी का जस्ट अपोजिट आ जाएगा, देन ए बार प्लस बी बार, यानी कि ए बार प्लस बी बार के बीच और ऑपरेशन लगाएंगे में हमारी क्या कंडीशन होती है कि हमारे दोनों इनपुट्स जब हाई होते हैं, यानी बस एक कंडीशन में हाई नहीं होते, जब दोनों आउटपुट हमारे न्यूट्रल होते हैं, यानी कि दोनों आउटपुट हमारे लो होते हैं, उस कंडीशन में हमारा आउटपुट हाई नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे जो रेड कलर से जो शो हो रहे हैं हमारे, यह दोनों इक्वल है, यानी कि हमारा डिमॉर्गन्स लॉ प्रूव हो गया। अब हम इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट हमें नैंड गेट ड्रॉ करना है, तो हम एंड गेट बनाएंगे, देन उसमें नॉट गेट लगा देंगे, तो उसका आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से देखा आपने, फर्स्ट हमने एंड गेट ड्रॉ किया, एंड गेट के बाद नॉट गेट लगा दिया, यानी कि एंड गेट का आउटपुट में हमारा कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो हमारा नैंड गेट बन गया। देन नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, देखेंगे कि हमारे दोनों जो हैं वह इनपुट्स जो हैं वह कॉम्प्लीमेंट हैं, दोनों इनपुट्स जो हैं वो हमारे कॉम्प्लीमेंट हैं, यानी कि हमने दोनों इनपुट्स की स्टार्टिंग में ही नॉट गेट लगा दिया, तो वो ए बार हो गया नॉट गेट लगने के बाद, और बी बार हो गया। देन दोनों के बीच और ऑपरेशन है, तो हमने क्या करा, यहाँ पर और गेट लगा दिया, जिससे कि वह हमारा गेट जो है वह प्रिपेयर हो गया, यानी कि इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ हो गया। ठीक,
तो अब हम आगे इसका सेकंड थ्योरम के बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी सेकंड थ्योरम में क्या होता है हमारा कि डेमॉर्गन्स लॉ सेकंड थ्योरम प्रूव दैट व्हेन टू और मोर इनपुट वेरिएबल आर ऑड एंड नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर हमारा नॉर गेट है, यहाँ पर हमारा नॉर गेट है, दे आर इक्विवेलेंट टू द, यानी कि यहाँ पर हमारा नॉर गेट का कॉम्प्लीमेंट जो है वो सॉरी और गेट का कॉम्प्लीमेंट यानी कि नॉर गेट ठीक इक्वल होगा किसके, जो हमारा एंड गेट है उसके दोनों इनपुट कॉम्प्लीमेंट होंगे और जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा वह उसके इक्वल होगा ठीक है। यानी कि ए डॉट बी का होल बार क्या हुआ हमारा नॉर गेट इक्वल टू ए बार डॉट बी बार ठीक है। अब हम इसकी ट्रुथ टेबल पर जाते हैं, ट्रुथ टेबल पर जाके हम देखेंगे ए और बी हमारे दो इनपुट हैं, ए और बी के बाद हमने क्या करा और गेट की ट्रुथ टेबल ड्रॉ करी, और गेट की ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने के बाद हमने क्या करा यहाँ पर ए प्लस बी का होल बार यानी कि नॉर गेट की ट्रुथ टेबल ड्रॉ की, नॉर गेट का क्या हुआ कॉम्प्लीमेंट वैल्यू ऑफ और गेट ठीक है। उसके बाद हमने ए का जो कॉम्प्लीमेंट है उसमें ए का जो कॉम्प्लीमेंट है उसमें हमने ए का जस्ट अपोजिट वैल्यू इंसर्ट करा दी, देन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है उसमें बी की जस्ट अपोजिट वैल्यू इंसर्ट करा दी, और दोनों के बीच हमने क्या करा दोनों के बीच हमने क्या करा एंड गेट लगा दिया। अब इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं हम, सर्किट डायग्राम में क्या दे रखा है इसके आप देखेंगे फर्स्ट हमने क्या करा नॉर गेट ड्रॉ करा है, नॉर गेट में हमने और गेट के साथ नॉट गेट का यूज़ करा है तो वह हमारा नॉर गेट बन गया, नॉर गेट के बाद हमने क्या करा है नेक्स्ट डायग्राम में जो हमें प्रूफ करना है कि हमने एंड गेट में जो दोनों इनपुट हैं उसको कॉम्प्लीमेंट लिया, यानी कि पहले से ही हमने इनपुट्स में नॉट गेट लगा दिया, नॉट गेट लगाने से दोनों इनपुट हमारे कॉम्प्लीमेंट वैल्यू के साथ एंड गेट बना रहे हैं ठीक है। तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम जो है वह प्रूव होती है डेमॉर्गन्स की, डेमॉर्गन्स लॉ की, यानी कि डेमॉर्गन्स लॉ की हमने फर्स्ट और सेकंड जो थ्योरम्स हैं उनको डिस्कस किया है। आगे हम डिस्कस करते हैं कुछ लॉज ऑफ बूलियन एलजेब्रा, यानी कि बूलियन एलजेब्रा में कुछ इंपॉर्टेंट लॉज होते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेमॉर्गन्स थ्योरम हैं और लॉज ऑफ बूलियन एलजेब्राज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमें ये अच्छे से तैयार करने हैं। तो हम फर्स्ट जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं एनलमेंट लॉ। एनलमेंट लॉ क्या होता है कि अ टर्म एंडेड विद जीरो, यानी कि अगर कोई टर्म है वह जीरो के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है तो वह जीरो के इक्वल होगी, और अगर कोई टर्म है और गेट अगर कोई टर्म है वह वन के साथ और ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है तो वह वन होगी ठीक। हमें ये अच्छे से याद करना है क्योंकि इसके थ्रू हम कुछ एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई टर्म है वह एंड गेट के साथ वह एंड गेट के साथ ज़ीरो जो है इनपुट है हमारा वह ज़ीरो के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो वहाँ पर हमारा क्या होगा वह ज़ीरो होगा, अगर कोई टर्म है हमारी वो वन के साथ और ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है तो वह वन होगी ठीक। तो यह हमारा क्या होता है एनलमेंट लॉ। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिटी लॉ की। आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है हमारा कि अगर कोई टर्म है वह जीरो के साथ और ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है और कोई टर्म है वह एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है वन के साथ तो वह टर्म अपनी ओरिजिनल फॉर्म के इक्वल होगी, यानी कि ए प्लस जीरो इज इक्वल्स टू ए और ए डॉट वन इज इक्वल्स टू ए ठीक। तो ये हमारा आइडेंटिटी लॉ है, ये लॉज हमें दिमाग में रख अच्छे से फीड करने हैं जिससे कि हम एक्सप्रेशन को इजीली सॉल्व कर सकें ठीक है। तो हमने दो लॉज डिस्कस की एनलमेंट लॉ और आइडेंटिटी लॉ। एनलमेंट लॉ में क्या था कि अगर कोई टर्म है वह एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है ज़ीरो के साथ तो वह ज़ीरो होगा, और अगर कोई टर्म है वह और ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है वन के साथ तो वह वन होगा। आइडेंटिटी लॉ में क्या है कि अगर कोई टर्म है वह एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है ज़ीरो के साथ तो वह ए ही होगी, और अगर कोई टर्म है वह अगर कोई टर्म ए है वह एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है वन के साथ तो वह ए ही होगी ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ में क्या होता है कि अगर कोई इनपुट है वह दैट इज एंडेड और ऑड विद इट सेल्फ,
यानी कि वह खुद के साथ एंड और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो वह खुद के ही इक्वल होगा, यानी कि a प्लस ए इज इक्वल्स टू ए ही होगा और a डॉट ए इज इक्वल्स टू ए ही होगा। ध्यान रखने का है क्या कि हमारा अगर कोई टर्म है आइडम्पोटेंट लॉ वहाँ अप्लाई हो रहा है, जहाँ पर वह खुद के साथ अगर एंड और ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है तो वह खुद के ही इक्वल होगा। ठीक, तो ये हमारा आइडम्पोटेंट लॉ होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या होता है, अ टर्म एंडेड विद इट्स सेल्फ कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू जीरो एंड ऑड विद इट्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू वन, यानी कि अगर हमारा कोई टर्म है ए वह अपने ही कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है तो वह ज़ीरो होगी, और अगर कोई टर्म है ए वह अपने ही कॉम्प्लीमेंट के साथ और ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है तो वह वन होगी। ठीक है, तो ये हमें इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट लॉ अच्छे से याद रखना है कि अगर कोई भी टर्म है वह अपने ही कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है तो वह ज़ीरो होगी, और अगर कोई भी टर्म अपने ही कॉम्प्लीमेंट के साथ और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो वह वन होगा। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ इसमें क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टू सेपरेट टर्म्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, यानी कि जो हमारा हमारे मान लीजिए दो टर्म हैं, अगर वो आपस में एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हैं तो वह अपने ही जस्ट रिवर्स के साथ इक्वल होंगी, यानी कि ए डॉट बी इक्वल होगा बी डॉट ए के एंड ऑपरेशन में भी, और ऑपरेशन में भी अगर हम बात करें तो ए प्लस बी जो है वो इक्वल होगा बी प्लस ए के। ठीक है, तो ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ होता है। कम्यूटेटिव लॉ में क्या करते हैं, हमारा एंड ऑपरेशन अगर दो टर्म्स के बीच हो तो वह दो टर्म्स इक्वल होंगी अपने जस्ट अपोजिट एंड ऑपरेशन के साथ। ठीक है, और अगर हमारा कोई दो टर्म्स आपस में और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वह जस्ट इक्वल होंगे अपने जस्ट रिवर्स वैल्यू के और ऑपरेशन के साथ। ठीक, तो इस तरीके से हमने कम्यूटेटिव लॉ को डिस्कस किया। कम्यूटेटिव लॉ के बाद हमारा आता है डबल नेगेशन लॉ। डबल नेगेशन लॉ में क्या होता है, हमारा कॉम्प्लीमेंट वैल्यू जो होगी वह ओरिजिनल टर्म के इक्वल होती है। कॉम्प्लीमेंट वैल्यू जो होती है वह अपने ओरिजिनल टर्म के इक्वल होती है, यानी कि ए बार जो होगा वह इक्वल होगा ए के, ए बार जो है वह इक्वल होगा ए के। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, हमारा ए ब्रैकेट में बी प्लस सी। ठीक, अब हम इसके अगर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक, ये हमारा और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाता है क्योंकि हमारे दोनों टर्म्स के बीच और ऑपरेशन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ब्रैकेट परफॉर्म हो रहा है। एंड ऑपरेशन की बात करें तो हम ए प्लस ब्रैकेट में बी डॉट सी अगर हम इसको लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, ए प्लस बी ब्रैकेट डॉट ए प्लस सी, यानी कि ये हमारा एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, और ऊपर जो हमने इसके डिस्कस किया था वो हमारा और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्जॉर्प्टिव लॉ के साथ। एब्जॉर्प्टिव लॉ क्या होता है हमारा, कि दिस लॉ इनेबल्स अ रिडक्शन इन अ कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन टू अ सिंपलर वन बाय ऑब्जर्विंग लाइक टर्म्स, यानी कि अगर हम a प्लस ए डॉट बी इक्वल होगा हमारे ए डॉट वन प्लस ए डॉट बी के इक्वल होगा, और ये टर्म फिर इक्वल होगी a ब्रैकेट में वन प्लस बी के, और ये टर्म हमारी टोटली इक्वल होगी a के। अब इसको क्या है कि आप और ऑब्जर्वेशन लॉ को अगर आप ब्रीफली इनर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आप समझेंगे कि a प्लस ए डॉट बी जो है वो हमारा किस तरीके से a आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है हमारा, ए प्लस बी ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी। अब हमें क्या है, जस्ट हमें टर्म को जस्ट स्वैप मतलब
इधर की साइड शिफ्ट कर देना है, ये ट्रिक होती है, इधर के साथ शिफ्ट कर देना है, यानी कि हम ए प्लस बी ब्रैकेट में बी प्लस सी को क्या लिख देंगे, ब्रैकेट में ए प्लस बी और ब्रैकेट क्लोज देन प्लस सी। तो ये इस तरीके से हमारा एसोसिएटिव लॉ होता है। इसको हम क्या लिख देंगे, ए ब्रैकेट में बी डॉट सी को हम क्या लिख देंगे, ए डॉट बी ब्रैकेट क्लोज डॉट सी। ठीक, तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ होता है। तो ये हमारा ऊपर वाला जो होता है वो हमारा और एसोसिएटिव लॉ होता है, और नीचे वाला जो होता है वो हमारा एंड एसोसिएटिव लॉ होता है। हमें ये ट्रिक्स जितने भी हमारे लॉज हैं इनकी अच्छे से माइंड में फीड करनी है, ताकि हमें एक्सप्रेशन सॉल्व करने में इजीली हेल्प मिल सके। तो आई होप आपको आज डी मॉर्गन्स लॉ और सारे लॉ थ्योरम्स जो हैं वह अच्छे से समझ में आई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।